Let's start our सबसे पहले लास्ट टाइम हमने जो एमसीक्यू डिस्कस किए थे वो 25 एमसीक्यू से डिस्कस किए थे. आज हम 26th एमसीक्यू को देखें. इसमें देखें हु अमंग द फॉलोइंग इज अ रेवोल्यूशनरी पोएट. अब इसमें जो रेवोल्यूशनरी पोएट है वो ये है, इसको शेले को शेले जो है वो पी बी शेले जो ऑप्शन बी है ये इस ही वॉज अ रेवोल्यूशनरी पोएट. नेक्स्ट शी बॉट इट फॉर हर सेल्फ. हाँ इसमें जो हर सेल्फ है, हर सेल्फ इसमें आपके पास रिफ्लेक्सिव नाउन है और इसमें पर्सनल नाउन, इंटरोगेटिव नाउन, डेमोस्ट्रेटिव नाउन, इन तीनों ऑप्शंस को भी हम प्रीवियसली देख चुके हैं. तो रिफ्लेक्सिव नाउन है ये और इसके बिकॉज रिफ्लेक्सिव नाउन को क्या होते हैं जैसे माय सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ये सारी जो एग्जांपल्स आपको नज़र आ रही हैं, अवर सेल्फ्स, योर सेल्फ, देम सेल्फ्स, ये सारी जो एग्जांपल्स हैं वो आपके पास रिफ्लेक्सिव नाउन आती हैं. तो इसमें मोस्टली जो स्टूडेंट्स कन्फ्यूज होते हैं वो पर्सनल नाउन को क्लिक करते हैं. पर्सनल नाउन बिकॉज वो पर्सन को ही डिफाइन कर रहा है इसलिए मोस्टली इसको पर्सनल नाउन में को टिक करते हैं. लेकिन आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन इस तरह का होता है वो इस तरह के वर्ड्स के लिए है वो है आपके पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ये एक एग्जांपल भी है, आई कट माय सेल्फ विद व्हेन आई वाज मेकिंग डिनर लास्ट नाइट. अब इसमें भी जो माय सेल्फ है वो रिफ्लेक्सिव नाउन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है. नेक्स्ट है आपके पास अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट अ पास्ट और ऑन गोइंग एक्शन एंड दैट कैन बी यूज्ड लाइक एडजेक्टिव. अब इसमें ये तीनों ऑप्शंस हैं और इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और पार्टिसिपल ये है तो हमें क्लियर है. जो इसमें जो पॉइंट है वो अब जेरेंड से लोग कन्फ्यूज हो रहे होते हैं स्टूडेंट्स. तो जेरेंड क्या होता है, दे आर द वर्ड्स that are formed with the verbs but action as noun. अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो verb से मिलकर बनता है लेकिन उनका जो action होता है वो as a noun होता है. They were very easy to spot since every gerund is a verb with ing. Now इसमें ये जो gerund के लिए है वो ये जिसको हम fourth form of verb भी बोलते हैं, ing की form में होता है, उसको आप जेरेंड्स कहते हैं. इसका मतलब है किसी एग्जांपल में अगर आपके पास फोर्थ फॉर्म आ जाए जैसे स्पीकिंग, लिसनिंग, ईटिंग, ये सारी चीज़ें आईएनजी के साथ जब आती हैं वर्ब तो इसको आप जेरेंड्स कहते हैं. प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, पार्टिसिपल इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट कैन बी यूज एज एन एडजेक्टिव. अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पार्टिसिपल जो है वो एज अ एडजेक्टिव यूज हो सकता है और उसके साथ अगर आप पास्ट की बात करेंगे तो वो पास्ट पार्टिसिपल होगा, प्रेजेंट की बात करेंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा. लेकिन पॉइंट क्या है, इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट कैन बी यूज एज एन एडजेक्टिव. अब इस केस में क्या था, पास्ट और ऑन गोइंग एक्शन, तो इसका मतलब ये है कि दिस इज पास्ट पार्टिसिपल. पार्टिसिपल क्या होता है, दैट कैन बी यूज एज एन एडजेक्टिव. ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट भी है आपके पास, और कंबाइंड विद द वर्ब टू बी टू कंस्ट्रक्ट डिफरेंट वर्ब टेंसेस. नेक्स्ट वीक ही डैश टू दुबई. नाउ नेक्स्ट वीक, नाउ नेक्स्ट वीक मीन्स फ्यूचर की बात हो रही है, सो इज और हैज तो हो ही नहीं सकता, सो विल फ्लाई एंड विल बी फ्लाइंग. सो इट द करेक्ट ऑप्शन विल बी फ्लाइंग. द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट ऑफ टू कंसेक्यूटिव क्लासेस इन अ फ्रीक्वेंसी टेबल इज कॉल्ड. अब ये मैथ से रिलेटेड है, इसमें थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं कि अगर लेट्स से आपके पास ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो तो इसमें जो 26 है आपके पास वो है अपर क्लास लिमिट और 30 जो है हम फर्स्ट इंटरवल की बात कर रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट इंटरवल. फर्स्ट इंटरवल में आपके पास ये आपके पास फर्स्ट इंटरवल है इसकी हम बात कर रहे हैं. अब इसमें अपर क्लास लिमिट 30 है और लोअर क्लास लिमिट 26 है, तो इसका मतलब ये है कि क्लास लिमिट तो हो नहीं सकती. अब difference between upper class of limit two consecutive classes is a frequency table is called. अब इसमें ये क्या होगा, next देखें class limit. अब class limit क्या है आपके पास 30 minus, अब इसमें ये difference है. next है class interval.
क्लास मार्क को देख लें, क्लास मार्क क्या है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ये हम क्लास मार्क या क्लास विड्थ भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट है रेंज, रेंज भी हमें पता है, द क्लास विड्थ इज ऑल्सो द डिफरेंस बिटवीन द टू द लोअर लिमिट ऑफ टू कंसेक्यूटिव क्लासेस और द अपर लिमिट ऑफ टू कंसेक्यूटिव क्लासेस। नाउ ये जो क्लास विड्थ है ये इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है, जो क्लास विड्थ है, बिकॉज उसकी डेफिनेशन में यह है कि टू कंसेक्यूटिव क्लासेस की अपर लिमिट या टू कंसेक्यूटिव क्लासेस की लोअर लिमिट को या जो डिफरेंस होता है वो क्लास विड्थ होता है। अब यहाँ पे इन ऑप्शंस में देखें तो हमारे पास जो एक्चुअली जो बनता है उसमें अगर हम जो थोड़ा सा रेलेवेंट है वो क्लास इंटरवल बनता है, तो क्लास इंटरवल विल बी दी करेक्ट ऑप्शन हियर। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा कोई इसमें आंसर अप्रोप्रिएट बनता है तो प्लीज यू कैन आस्क इट इन दी यू कैन शेयर इट इन दी कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट है स्पेशल ग्लासेस यूज टू ऑब्जर्व द सोलर एलिप्स आर मेड बाय द यूज ऑफ डैश। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपके पास लेंसेज, लेंसेज को यूज करके बनता है। नाउ टेबल टेनिस बॉल्स आर मेड फ्रॉम, अब टेबल टेनिस बॉल जो है इसमें ऑप्शन ए और बी जो है वो है, होता है मोस्टली, लेकिन जो मोस्टली जो आप इसको सर्च भी करेंगे तो आपके पास प्लांट सेलुलोज से मिलके टेनिस बॉल जो बनती है वो टेबल टेनिस बॉल जो बनती है वो प्लांट सेलुलोज से मिलके बनती है। नाउ ब्रिटिश इंडिया कंपनी वाज ग्रांटेड परमिशन ऑफ द ट्रेड विद इंडिया बाय, अब ये किसने ही किया था, ये किया था जहांगीर ने ये किया था, परमिशन ग्रांट की थी कि वो इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच वन इज द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ कॉग्निशन, अब ये कॉग्निशन को पहले समझना होगा, ये पेडागोजी से रिलेट कर रहा है, तो कॉग्निशन इसमें है क्या, सेंसेशन करेक्ट ऑप्शन है लेकिन कॉग्निशन को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म कॉग्निशन की है सेंसेशन। अब कॉग्निशन क्या है, द मेंटल एक्शन और प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू थॉट एक्सपीरियंस एंड द सेंसेस, ठीक है, इट मीन्स कि ये लर्निंग प्रोसेस है जो कि थॉट एक्सपीरियंस और सेंसेस से, तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म है कंसेप्शन में आप कॉन्सेप्ट, परसेप्शन भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, अफेक्शन भी कॉम्प्लेक्स है, सेंसेशन जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कॉग्निशन है। और कॉग्निशन का आप सबको आई होप आइडिया, बिकॉज समटाइम्स कॉग्निशन से रिलेटेड एमसीक्यू आते हैं, तो कॉग्निशन का ये क्लियर होना चाहिए आपको कि व्हाट इज कॉग्निशन, कॉग्निशन इज अ लर्निंग प्रोसेस थ्रू थॉट एक्सपीरियंस एंड द सेंसेस। ओके नेक्स्ट है इसमें एजुकेशनल फिलोसफी हेल्प्स इन, एजुकेशनल फिलोसफी हेल्प्स इन व्हाट, अब इसमें देखें वैसे बाय द वे एजुकेशनल फिलोसफी हेल्प्स इन क्लासरूम होता है, और क्लासरूम में इन सब चीज़ों को देखें तो जो करेक्ट ऑप्शन लग रहा है वो सिलेक्शन ऑफ मेथड है, सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड है, बिकॉज एजुकेशन, बिकॉज इन अ क्लासरूम अगर आप इंडिविजुअल्स को अगर उसको इंक्लूसिव बनाएंगे तो उसके लिए यू हैव टू डिसाइड द मेथड फॉर ईच क्लास, कि किस कौन सा टीचिंग मेथड हम यूज़ करें, बिकॉज कंटेंट वी कैन नॉट चेंज द कंटेंट, वी कैन नॉट चेंज द एम्स, द कोर एम्स, और वी कैन नॉट यू कैन से एवोल्यूशन प्रोसेस प्रोसीजर इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग, बट द मेन इन सब में जो सूटेबल ऑप्शन है वो है सिलेक्शन ऑफ मेथड्स। नेक्स्ट है आपके पास शी इज नॉट कट आउट फॉर दिस काइंड ऑफ वर्क, चूज द करेक्ट मीनिंग, अब कट आउट फॉर दिस, नाउ शी इज नॉट सूटेबल, सो ये एक अप्रोप्रिएट वर्ड जो इसके यहाँ पे सेंस भी कर रहा है, इसको देख ये है सूटेबल वर्ड ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपके पास ह्यूमनिज्म एंड प्रिंटिंग प्रेस वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट, अब ये जो चीज है इसको हमने थोड़ा सा देखना है कि ये तीनों ये चारों ऑप्शंस हैं क्या, इन चारों थोड़े से डिफरेंट ऑप्शंस हैं तो इनको हम देखते हैं। सबसे पहले रेनेसेंस जो था ये जो पीरियड था ये था यूरोपियन पीरियड था, कल्चरल आर्टिस्टिक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रीबर्थ, तो फॉलोइंग ये मीन्स कि ये वो एरा था, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। सो नेक्स्ट है आपके पास जो सेकंड ऑप्शन है बी
वो है आपके पास रिस्टोरेशन। रिस्टोरेशन जो पीरियड था वो 1660 से लेके 1680 तक था, इसको रिस्टोरेशन पीरियड कहा जाता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता बिकॉज ह्यूमनिज्म एंड प्रिंटिंग प्रेस। ऑप्शन डी करेक्ट लगता है बिकॉज प्रेज का मतलब भी तारीफ ही होता है, बैक बाइटिंग तो हो ही नहीं सकता। फ्लैटरी और कंडेमनेशन, कंडेमनेशन भी नहीं हो सकता। तो हमें जो फर्स्ट थॉट जा रही है वो डी पे जा रही है, लेकिन अब हम हर एक ऑप्शन को देखेंगे। बैक बाइटिंग का मतलब तो सबको पता है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट फ्लैटरी का मतलब। फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी, और इसका जो सिनोनिम है वो है एडुलेशन। सो जो एडुलेशन है, और यहाँ पे भी अगर हम देखें इस सेंटेंस के अंदर, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये बता रहा है और इसकी जो प्रपोजिशन है वो ये बता रही है, द यूजुअल एडुलेशन ऑफ द ऑफिसर मस्ट एंड। तो ये तो हो नहीं सकता कि तारीफ तारीफ हो कि उस तारीफ को आप एंड करें। तो यहाँ पे जो सेंस है वो इस वक्त जो है चापलूसी के वर्ड यूज हो सकता है, चापलूसी के सेंस में यूज हो सकता है। सो ऑप्शन बी जो फ्लैटरी है चापलूसी वो करेक्ट ऑप्शन है। तो इसलिए आपने थोड़ा सा, हमने सारे ऑप्शंस को इसमें ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया। इसमें कंडेमनेशन का मतलब क्या है, मजम्मत करना। कंडेमनेशन मींस मजम्मत करना, और इसका जो सिनोनिम है वो है सेंश्योर। अब ये अपनी वोकैब थोड़ी सी आप इंक्रीज हो रही है आपकी, कि एडुलेशन मींस तारीफ या तारीफ करना, या चापलूसी करना, फ्लैटरी चापलूसी करना, कंडेमनेशन मजम्मत करना, या इसका जो है सेंश्योर, इसका जो सिनोनिम है वो सेंश्योर है। नाउ एट द एंड ऑफ ईच लेसन यू मस्ट आस्क फ्यू क्वेश्चन फ्रॉम योर सेल्फ दैट व्हाट यू हैव लर्न टुडे। टुडे वी हैव डिस्कस द पास्ट पेपर क्वेश्चन रिलेटेड टू SST जनरल, और ये लेसन टू था हमारा। लेसन वन हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है, और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने कोई क्वेश्चन है आपका, तो यू कैन आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन।
और अगर आपने कोई लेसन मिस किया है तो यू कैन सी इट इन दी डिस्क्रिप्शन, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर है। और अगर आपने इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो देन यू कैन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन, अदरवाइज यू कैन शेयर योर फीडबैक इन दी कॉमेंट सेक्शन। Thank you.